अफगानिस्तान वर्सज ऑस्ट्रेलिया अज एक बहुत बड़ा मुकाबला जिहड़ा शुरू होने जा रहा है। तो खुशखबरी की गल यह कि अफगानिस्तान पहला बैटिंग कर जा रहा, सो अफगानिस्तान के लिए यह मैच जितना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया वर्गी बड़ी टीम नूं हरा दिता तो सैमीफाइनल पहुँचण दीआं उन्हां दीआं उम्मीदां बरकरार रहणगीआं। हुण तक अफगानिस्तान का बहुत ही जबरदस्त जिहड़ा इस वर्ल्ड कप जिहड़ा रहा आ, ते अफगानिस्तान दुनिया की किसी भी वड्डी क्रिकेट टीम नूं हरा सकती है, क्योंकि जिद्दां उन्होंने पाकिस्तान नूं हराया, इंग्लैंड नूं हराया और वड्डियां वड्डियां टीमां नूं हरा के अफगानिस्तान जिहड़े आ उन्हां दे पॉइंट जिहड़े आ 8 हो चुके आ। इस समय पाकिस्तान दे भी 8 आ ते न्यूजीलैंड दे भी 8 पॉइंट आ। ते अगर अफगानिस्तान दा उन्हां नूं जिहड़ा कह सकदे कि अगर वह किसी उपर निर्भर नहीं है, अगर वह मैच जितणगे तो सैमीफाइनल विच पहुँच जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम आ, पहले दो मैच हारन तो बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया आ मुकाबला बहुत सख्त होगा, तो पर अफगानिस्तान की जिहड़ी टीम आ किसी भी वेले कोई भी उल्ट फेर कर सकती है और उम्मीदा यह है कि अफगानिस्तान जिहड़ी है जरूर उल्ट फेर करे, और आपां भी चाहुंदे आ कि अफगानिस्तान जिहड़ी है वह जरूर अज ऑस्ट्रेलिया नूं बुरी तरह हरावे और वर्ल्ड कप दे विच अपनी लगातार 5वीं जिहड़ी जित है वह दर्ज करे, क्योंकि अफगानी भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भारत की टीम को और हम भी अपने अफगानी भाइयों की अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराए और सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहें। अगर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आज हरा दिया, फिर साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, तो फिर चौथे नंबर पर जो सेमीफाइनल में पहुँचने वाली टीम होगी वो अफगानिस्तान होगी। फिर बेशक उधर पाकिस्तान अपना मैच इंग्लैंड से जीत जाए, बेशक न्यूजीलैंड अपना मैच जो श्रीलंका से जीत जाए, वो दोनों टीमें बाहर हो जाएगी क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 पॉइंट होंगे, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने अपने दोनों ही मैच जीत लिए आज ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से, तो अफगानिस्तान के 12 पॉइंट हो जाएंगे जो डायरेक्टली ही सेमीफाइनल में पहुँच जाएगी। सो बेस्ट विशेष है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, पठान भाई जरूर आज इस मैच में उल्ट फेर करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर हराएंगे। एक कल मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला था क्योंकि दोनों ही टीमें के लिए ये बहुत अहम मुकाबला था। अगर बांग्लादेश की टीम हार जाती या श्रीलंका की टीम जीत जाती तो उसको चैम्पियन ट्रॉफी में एंट्री मिल जाती, लेकिन कल एक मैच में एक बहुत ही अलग से काम हुआ। आपको पता होगा कि श्रीलंका का कैप्टन जब उसका बारी आया तो वो खेलने जा रहा था, क्रीज पे पहुंच भी गया था, लेकिन एक आईसीसी के नियम के अनुसार उसने लगभग 3 मिनट लगा दिए थे क्रीज पे आने के लिए, और बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब ने और उनकी टीम ने अपील की और उसको आउट जो देना पड़ा। शकील की बहुत ज़्यादा चारों तरफ से निंदा हो रही है क्योंकि जब बैट्समैन क्रीज पे पहुँच ही गया था फिर अपने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आउट की अपील नहीं करनी चाहिए थी। जब वो श्रीलंका का कैप्टन मैथ्यूज पहुंच गया क्रीज पे, आप देख सकते हो वीडियो में वो पहुंच गया था, और जैसे ही वो क्रीज पे पहुंचा तो उसने अपने हेलमेट में हाथ लगाया तो हेलमेट टूटा था, हेलमेट उसने मंगवाया बाहर से, तब तक 3 मिनट हो गए, लेकिन बांग्लादेश के कैप्टन शकीब ने जैसे उसको आउट की अपील की है चारों तरफ से उसकी निंदा हो रही है। कल मैच तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन मैथ्यूज के साथ बहुत बुरा हुआ। थैंक यू साथियों।